चंदौली से अगली कॉलर आशिफा, स्वागत है आपका। जी चंदौली नहीं, चंदौसी। चंदौसी से जी बताइए मैम। जी, अकील जी, अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम आशिफा, आपका नाम भी तो खराब कर दिया इन्होंने। बताइए। जी, वैसे तो मेरा आपके यहाँ से काफी इलाज हो रहा है और दवाई से फायदा भी होता है, मतलब मुझे ना, मेरा आर एफ फैक्टर पॉजिटिव है काफी टाइम, बहुत लंबे टाइम से मेरी बात आपसे होती रहती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मुझे ऐसा होता है जैसे आराम होता है ना, एक जख्म की तरह जैसे आराम होता है फिर वो हरा हो जाता है, बिल्कुल यही सिस्टम मेरी तकलीफ का है कि आराम भी मिलता है मगर फिर एकदम तकलीफ मुझे बिल्कुल एकदम उबड़ जाती है। कितने दिन ये लिया तो आपने इलाज? नहीं, आपके यहाँ से इलाज मेरा काफी टाइम से हो रहा है, करीब मुझे 3 साल हो गए। अरे बहुत ज़्यादा लंबा इलाज किया, तो कितना फायदा में है अब आप? नहीं, फायदा बिल्कुल है लेकिन अभी 100 वैसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन हाँ इतना फायदा है कि मैं जो दवाई 2 टाइम लेती थी उसमें एलोपैथ में, वो 1 टाइम लेनी पड़ती है अपने। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं, वैसे तो मैं आपके डॉक्टरों से बात करती रहती हूँ, आपसे बाद में जुड़ी हूँ, पहले आपकी संस्था से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, आपसे बाद मेरी बाद में हुई है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि हमारी चंदौसी में ये चैनल ज्यादा देखा जाता है, इसकी वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्यादातर लोग आपका प्रोग्राम देखें और आपकी दवाई मंगाएं। ठीक है आशिफा, आप बहुत बर्दाश्त वाली हैं और आर एफ फैक्टर बहुत ज़्यादा आपका है। कभी ऐसा हो जाता है कि इतना ज़्यादा हो जाता है, आप जो भी दवाई खा रहे हैं उसे छोड़े नहीं। और अलसी आप जानती हैं, अलसी को हल्का सा पाउडर बना लें, भून कर, हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें, साफ ज़रूर कर लेना, उसमें कंकर पत्थर बहुत मिला देते हैं, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम ये ज़रूर खाया करें और दवाई जारी रखें। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि वो आपको नुकसान देती है उसको छोड़ दें, और मैं दुआ ख़ास करूँगा कि अल्लाह आपको इतना फ़ायदा दे दे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। बहुत प्यारी बच्ची हैं, हमने दुआ भी करेंगे आपके लिए कि आपको फ़ायदा हो जाए।